नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद में 4 मार्च 2018 तक 6.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। अजमेर में 5,20,000 के तकरीबन, इलाहाबाद में 5,75,000 के तकरीबन, और बेंगलोर में दोस्तों आपका 2,30,000 लगभग फॉर्म फिल किए जा चुके हैं 4 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, आज आपका 8 मार्च है, तो ये 4 मार्च पहले यानी कि 4 दिन पहले की डिटेल्स है। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 लाख और इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि 4 दिन में इतने फॉर्म आ चुके होंगे, और भोपाल में 3,51,000, भुवनेश्वर में दोस्तों आपका 1,71,000, बिलासपुर में दोस्तों आपका 1,44,000, और चंडीगढ़ में आपका 6,72,000 अभी तक का सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, क्योंकि सिकंदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा जगह चंडीगढ़ में है। उसके बाद है आपका चेन्नई। चेन्नई बोर्ड में देख लीजिए, आपका 2,11,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे से, कई स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे से पूछ रहे हैं कि सर किस जोन से अप्लाई करना चाहिए मेरे को फॉर्म। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये भविष्य की बात है, हो सकता किस बोर्ड की मेरिट कैसी जा रही। तो मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि इंडियन स्टडी कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देगा। ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई है कि आप खुद देख लीजिए किस जोन में कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी मर्जी से फॉर्म भरिए, किसी दूसरे की सुन के नहीं कीजिए ऐसा। आप पहले से अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करिए। किसी भी की बातों में ना आए कि आप इस बोर्ड से भर दीजिए, उसकी मेरिट इतनी जाती है, उसकी कम जाती है, इलाहाबाद की हाई जाएगी, ऐसा भविष्य किसी ने नहीं देखा दोस्तों। हो सकता सब जितनी भी बोर्ड हैं उन सब की मेरिट दोस्तों 19-20 रहेगी, यानी कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी 4 साल बाद आई है, इसलिए किसी भी बोर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से फॉर्म फिल करिए, किसी की बातों में ना आइए। और गोरखपुर में दोस्तों 3,56,000, गुवाहाटी में आपकी 2,45,000, कोलकाता में दोस्तों 2,56,000, मुंबई में 4,14,000। मुंबई बोर्ड भी काफ़ी चर्चित में चल रहा है कि मुंबई से फॉर्म अप्लाई कर दूं मैं। पटना, बिहार, पटना बोर्ड में दोस्तों आपकी 6,78,000, रांची में आपका 3,47,000, और सिकंदराबाद में है दोस्तों आपका 7,10,000 सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप भली भांति समझ गए होंगे कि किस बोर्ड में कितना डाटा फॉर्म का अभी पहुंच गया है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने हिसाब से फॉर्म भी भरिए, किसी की बातों में नहीं आइए। और इस वीडियो से केवल और केवल आपको सहायता लेनी है ना। मैं इस वीडियो के अंदर ये बता रहा हूँ कि कौन से बोर्ड में आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर सकता किसी बोर्ड की मेरिट क्या पता कैसी जा रही। तो आप मेरे को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि सर आपने इस बोर्ड में बोला था तो मैंने उसी बोर्ड में भरा। दोस्तों, आप अपनी मर्जी के हिसाब से फॉर्म भरिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।